हेलो जी, मैं हूँ बलविंदर कौर फ्रॉम नेचर गार्डन। वेलकम है मेरे गार्डन में और मेरे चैनल पे। आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे से गार्डनिंग भी कर रहे होंगे। वीडियो की शुरुआत करते हैं एक सुंदर से डहेलिया के, बहुत ही पर्पल और वाइट कलर के फ्लावर के साथ, और साथ में ये डेंथस के फ्लावर भी हैं। और आज मार्च का महीना है और जो मेरे डहेलिया की हैं कलियाँ अभी भी खिल रही हैं। और ये मैरीगोल्ड के प्लांट हैं, मैंने लेट जो हैं ग्रो करे थे, तो उसी के जो मैं आज हमारे में आपको दिखा रही हूँ। बट मेरा जो आज का वीडियो है फ्रेंड्स, वो है मेरा एक प्लांट एस्पैरेगस। एस्पैरेगस से हम एक से ज़्यादा प्लांट कैसे बना सकते हैं, आज मेरा वीडियो उसी के ऊपर है। एस्पैरेगस का जो मेरा प्लांट है वो बिल्कुल रूट उसकी जो है बाउंड हो चुकी थी, और मैं उन्हीं को आज थोड़ा सा उसकी रूट्स वगैरह सेपरेट जो एक्स्ट्रा हैं वो हटा करके, उसके राइजोम्स हटा करके मैं अपनी प्लांट की जो सॉइल वगैरह है आज दूसरी डाल रही थी। क्योंकि पानी जब मैं डालती थी तो वो मेरा प्लांट है बिल्कुल मॉइस्ट रहता ही न था, और जो पानी था बिल्कुल सॉइल सूख जाती थी क्योंकि पानी पूरा उनके अंदर जा ही नहीं रहता, इतनी ज़्यादा रूट्स जो हैं बढ़ गई थी। तो आज मैं है उस प्लांट की जो है रूट्स को हटा के दूसरा मतलब सॉइल वगैरह चेंज कर दी थी। तो मैंने सोचा आपके साथ मैं शेयर करूँ कि एक एस्पैरेगस के प्लांट से हम ज़्यादा प्लांट कैसे डिवाइड करके बना सकते हैं। तो मैं हमेशा अपने, ये मेरा एक ही प्लांट था पहले, तो मैंने दो बनाए, दो से मैं अलग और प्लांट जो है बनाना चाहती हूँ। तो ये देखिए, मैंने ये एक प्लांट है सेपरेट कर लिया है, और एक और मैं प्लांट इससे जो है सेपरेट करूँगी क्योंकि मैं ज़्यादा प्लांट इसके बनाना चाहती हूँ। तो ये देखिए, कोई डिफरेंट काम, सॉरी, ये ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है, तो आप इसे अलग आराम से कर सकते हैं। बस पहले आप इस प्लांट को है थोड़ी इसकी अलग कर लें सॉइल वगैरह, तो बड़े आराम से आप इस प्लांट को सेपरेट कर सकती हैं, क्योंकि इनकी जो रूट्स हैं वो एक दूसरे से उलझी होती हैं बस। तो ये देखिए, ये बड़े आराम से अलग हो जाते हैं, ये देखिए छोटी छोटी रूट्स हैं और ये एक दूसरे में उलझ के रह जाती हैं। तो आप एक प्लांट से ज़्यादा प्लांट बड़े आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए, ये दो प्लांट इकट्ठा ही है, तो मैं इसकी जो रूट्स हैं अब सेपरेट करके एक प्लांट से मैं तीन प्लांट जो हैं अब बना रही हूँ। तो ये देखिए, तो ये बड़े आसानी से अलग हो गया है, और इसकी जो रूट्स हैं वो मैं ऐसे धीरे धीरे से निकाल लूँगी बिना राइजोम्स को डिस्टर्ब करते हुए, और इनकी जो स्टेम है उनको बिल्कुल अलग करके। ये देखिए, एक दूसरे में उलझे हुए हैं, और मैं बिल्कुल, ये देखिए मेरे, ये एक और जो मेरा प्लांट है वो इस तरह से तैयार हो गया है। मतलब तीन प्लांट मैंने एक प्लांट से बना लिए हैं, तो अब मैं अलग इनको जो है लगा दूँगी। तो ये देखिए, इसके साथ रूट्स और राइजोम्स भी हैं, और ये मैं प्लांट बनाऊंगी क्योंकि इनका ग्रोथ पीरियड है, तो बड़े अच्छे से ये हो जाएंगे, तो हेल्दी भी हो जाएंगे थोड़े दिनों के बाद। मैं आपको इनका जो है अपडेट ज़रूर दूंगी। तो आप इस आसानी से इनके जो हैं एक से अनेक प्लांट बना सकते हैं, और बिना डिस्टर्ब कर भी इनको, ये इनकी रूट्स को डिस्टर्ब करते हुए या इनके राइजोम्स को हम नुकसान पहुंचाते हुए, क्योंकि ये इन्हीं की वजह से जो है इनमें वाटर जो है रिटेन रहता है, तो ये प्लांट्स जो डाइट लेते हैं इसी तरह से। तो अब मैं सॉइल है, एक मैं रूट बाउंड वाला जो मेरा प्लांट है मैं आगे आपको वीडियो शेयर करूँगी या देखती हूँ, तो उसमें मैंने इसकी जो सॉइल प्रिपेयर की है ये ट्राइकोडर्मा मैंने डाल दिया है, और इस सॉइल के अंदर मेरा कोकोपीट और बोन मील और एक नीम खली और ये वाला एक नीम के एक पाउडर, ये और ट्राइकोडर्मा मैंने बताई दिया, एक ये वाला ट्राइकोडर्मा मैंने इसमें डाला है कि वो फंगस ना लगे। तो आपने भी ऐसे ही करना है इस सॉइल में, और गोबर की मैंने खाद डाली है इसमें, और डाली है किचन वेस्ट की जो कंपोस्ट है,
तो इस सॉइल को मैंने मिक्स करके जो है इसमें ये मेरा जो है प्लांट, जो मेरा ये इस प्लांट को मैं इस तरह से लगा दूंगी इसे। और आप इसी तरह से अपने जो प्लांट हैं ज़्यादा बना सकते हैं। और ये देखिए अब इसमें जो हमने सॉइल डाल देनी है इस तरह से। ये तो मेरा वीडियो फ्रेंड्स, आप एक प्लांट से ज़्यादा प्लांट एस्पैरेगस के कैसे बनाते हैं, तो लाइक करना, कमेंट करना अगर वीडियो पसंद आता है तो। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ये देखिए और सॉइल इतनी हम इसमें डाल देंगे कि जो है थोड़ा सा आधी उंगल का जो है स्पेस रखेंगे, क्योंकि पानी जो है बिल्कुल आसानी से इसे मिलता रहे। और इसमें बाद में पानी दे देंगे ऊपर से, तो अगर मिट्टी की ज़रूरत और सॉइल की पड़ेगी तो मैं वो भी डाल दूँगी इसमें। ये मेरी मिट्टी में सैंड जो है ऑलरेडी मिली हुई है, देखिए भुरभुरी मिट्टी है बिल्कुल। और आपने भी ऐसी ही मिट्टी प्रिपेयर करनी है और इस प्लांट के लिए इसमें डाल देंगे। तो आप इस तरह से ये प्लांट लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने दो प्लांट हैं मेरे और ये वाले बना लिए हैं, एक मैंने ये लगा दिया और एक ये वाला। तो आपको कैसा लगा वीडियो, पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। और चैनल पे जो है आप मेरे साथ आइए और सपोर्ट करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। हैप्पी गार्डनिंग।